नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम मंथन में। आपके साथ योगिता सिंह। दोस्तों, मुझे ना बहुत आपत्ति है उन लोगों से जो महिलाओं के ऊपर जोक्स बनाते हैं। अक्सर पत्नियों पर बहुत से जोक्स बनते हैं और बहुत ही शौक से लोग उन्हें फॉरवर्ड करते रहते हैं। वो इतने डेरोगेटरी होते हैं कि कई बार मुझे लगता है कि इन जोक्स को हम आखिर फॉरवर्ड करते भी क्यों हैं। नमस्ते अमित जी, या भी सुनिएगा, क्योंकि अक्सर जो है ना, लड़के सबसे ज्यादा मजाक जो है वो लड़कियों का बनाते हैं और पत्नियों का तो खास तौर पर बनाते हैं। लेकिन आप एक बार सोचिएगा और बताइएगा कि जब कोई क्राइसिस होता है तो सबसे पहले आपकी मदद करने के लिए कौन सामने आता है? आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन, ये लोग होते हैं ना जो सबसे पहले आते हैं, जो अपना हिडन खजाना खोल करके आपके सामने रख देते हैं कि लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत से बाहर निकलने का रास्ता हमारे पास है। इतना होने के बावजूद भी मुझे समझ में नहीं आता कि पुरुषों को ये जोक्स फॉरवर्ड करते समय एक बार भी उनकी उंगलियां नहीं कांपती। अक्सर कहते हैं कि अरे आज मेरी सिरदर्द जो है वो कहीं घर के बाहर गई हुई है। ये चीजें सच में डेरोगेटरी है, सच में हमें बुरा लगता है। हंसते जरूर हैं हम, पर अंदर ही अंदर बहुत चुभता है। अगर कुछ लोग भी इस चीज को कंट्रोल कर लेना तो इस तरह के जोक्स बनने हम पर बंद हो जाएंगे। आज मैंने अपने प्रोग्राम में एक ऐसे ही गेस्ट को भी बुलाया है जिन्होंने अपने कृत से साबित कर दिया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं। उनकी स्ट्रेंथ से उनका परिवार चल सकता है। परिवार में चाहे कोई बहुत ज्यादा अर्न करने वाला मेंबर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई क्राइसिस आता है तो उस क्राइसिस में आपकी पत्नी आपका साथ देती है और वो आपको उस क्राइसिस से बाहर निकालती है। आज मैंने जिनको आमंत्रित किया है उन्हें मुझे लगता है कि बहुत से लोग जरूर जानते होंगे। उनका नाम है उर्वशी यादव जी। उर्वशी जी जो है ना, वो एक वुमन एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने एक बिल्कुल हटके काम किया। लोग यूजली रेस्टोरेंट्स खोलते हैं, पर उन्होंने अपने बचत के पैसे से एक फूड कार्ट शुरू किया। सड़क किनारे खड़े होकर के वो छोले कुलचे, छोले भटूरे इत्यादि बेचा करती थी। ऐसा नहीं है कि उनको कोई बहुत ज्यादा कमी थी, वो बहुत वेल टू डू फैमिली में से हैं। लेकिन लाइफ में कोई एक ऐसी क्राइसिस आई जब उन्हें ऐसा करना पड़ा और वो बिल्कुल नहीं शर्माई। तो मुझे लगता है कि सैल्यूट करना चाहिए हमें ऐसी महिलाओं को जो कि अपनी हर स्थिति को भी कैसे बाहर निकलना है वो रास्ता खुद तय कर लेती है। मैं उनको जोड़ने की कोशिश करती हूँ उर्वशी जी को, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को प्यारा सा हेलो बोल दो। जोया जी हेलो, आई एम वेरी फाइन। और हाय नीता, कैसी है? और डॉक्टर श्वेता जी, रियली आपने सही कहा है कि औरतों को ना शक्ति देने की जरूरत है, और वैसे वो खुद भी शक्ति स्वरूपा है। वो मुखर नहीं है, बोलती नहीं है अपनी परेशानियों को, उन्हें बोल देना चाहिए। मैं एक बार आमंत्रित कर लेती हूँ उर्वशी जी को। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? परफेक्ट। और उर्वशी जी, आपका आपका जो कार्ट है उसकी स्टोरी मुझे पता चले कि वो अपनी जगह से गायब है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जी, आज मैंने जैसे प्रोग्राम के शुरुआत में कहा कि अक्सर लोग ना महिलाओं का बहुत मजाक उड़ाते हैं, सबसे ज्यादा जोक्स हम पर ही बनते हैं, है ना। हमारी सिरदर्द बाहर घूमने गई हुई है, हम अभी रिलैक्स कर रहे हैं, जो हम पर जोक्स बनते हैं और लोग बड़े खुश होकर उसे फॉरवर्ड करते हैं एक दूसरे को, और मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं कभी फॉरवर्ड नहीं करती। उर्वशी जी, आपने अपनी फैमिली को उस टाइम सपोर्ट किया और उस तरीके से सपोर्ट किया जो किसी भी पुरुष के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, जो इस स्टैंडर्ड का हो, जिसके पास बहुत महंगी गाड़ियां, बहुत बड़ी कोठी हो, और वो सड़क पर जाकर के रेड़ी लगा करके खाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे या वो खिलाए। इतना बड़ा जिगरा पुरुषों में भी नहीं हो सकता जो आपने किया। तो मैं आपकी जर्नी आपसे जानना चाहूंगी। बड़ी छोटी सी बात है, आर्मी वालों का बच्चा हूँ। पापा ने एक ही चीज सिखाई थी, जिंदगी में अगर कोई मुश्किल आ जाए तो हार नहीं मानना, और कुछ भी करना पड़े तो ये मत सोचना कि काम छोटा या बड़ा है, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। क्या बात कही आपने, सही कहा आपने। जो डिफेंस पर्सन के बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और हर चैलेंज को लेने के लिए तत्पर रहते हैं। मुझे भी बहुत खुशी होती है, मेरे पापा भी एयरफोर्स में थे, तो मुझे पता है कि हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह से की जाती है। लेकिन आपकी जो जर्नी है, आप बहुत अच्छे घर से हैं, आपके फादर इन लॉ खुद भी विंग कमांडर रहे हैं एयरफोर्स में, और मुझे लगता नहीं है कि कोई आपके घर में ऐसी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस अचानक आई होगी या कुछ ऐसा हुआ होगा। आपने क्या सोचकर इतना बड़ा कदम उठाया?
जिससे मामद के बारे में डॉक्टर्स ने क्लियर बताया कि उनका हिप जॉइंट कोलैप्स एंड दैट नीड टू बी रिप्लेस एज सून एज पॉसिबली, तो वो चीज मेरे को एकदम से हिला गई थी, क्योंकि ऑपरेशन पहले भी 2010 में हो चुका था उनका। उस टाइम डॉक्टर्स ने कहा था 15 से 20 साल के बाद रिप्लेसमेंट होगी, बट अच्छा 2015 में जो उनका एक्सीडेंट हुआ घर के अंदर, क्योंकि वो बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे, पैरस्केट हुआ और सेम लेग पे जिस पे पहले इनको ऑपरेशन हो चुका था उसी लेग पे दोबारा मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए। सो वी व्हेन वी गो फॉर अ फर्दर डिटेल्स की क्या प्रॉब्लम है, क्यों हुआ फ्रैक्चर और कैसे इसको कैसे क्योर करना है, बिकॉज हमें थोड़े हेवी बॉडी बॉडी है उनकी। तो हमने जब चेकअप कराया सब कुछ कराया तो पता चला कि उनके जो हिप ज्वाइंट है वो कोलैप्स हो चुकी है और उसको जितना जल्दी हो सके रिप्लेस करना है। तो डॉक्टर्स ने मुझे एक शॉकिंग चीज बताई थी कि ये जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज हमें थोड़े से हैवी हैं और शायद ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो या ना हो। तो वो उन्होंने ये तो बोला था कि सक्सेसफुल होगा, बट मेरे सक्सेसफुल नहीं हुआ तो डॉक्टर वॉज लाइक ही विल बी बेड रिटन लाइफ लॉन्ग। तो वो चीज मेरे को बड़ा तंग करा था कि अगर हस्बैंड बेड रिटन हो गए लाइफ लॉन्ग और मैं टोटली डिपेंड हो जाऊंगी फादर इन लॉ की पेंशन पे। डिफेंस वाली हूँ, मुझे भी पता है पेंशन तब तक साथ रहती है जब तक इंसान साथ रहता है, एंड हस्बैंड की सैलरी एक ऐसी चीज थी जो कि उस टाइम मेरे घर में मेन ब्रेड एंड बटर का सोर्स ऑफ इनकम था। पता नहीं क्यों 2 बार तो दिन में आया कि जॉब अपनी अच्छी कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करूँ। आई अप्लाई बहुत सारे स्कूलों में अप्लाई किया बट मेरे को जॉब नहीं मिला, एंड जहां मैं जॉब कर रही थी क्योंकि वो मेरा प्री ईयर था तो फिर जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक आपको जॉब नहीं मिलती है स्कूलिंग लाइन में स्पेशली। देन खाना बनाने का शौक था, एक दिन मैं और अमित मार्केट गए थे, अमित के ऑलरेडी फ्रैक्चर था तो अब वो ज्यादा मूव तो कर नहीं पा रहे थे, तो जहां पे हमने छोले कुलचे खाए थे वो 1 बजे उसने बंदे ने अपनी दुकान लगाई थी, 12:30 बजे उसने दुकान लगाई, 1:45 बजे के आसपास हमें दिया, एंड जब तक हम अपनी प्लेट्स कंप्लीट करते तब तक उसकी दुकान पे जितना खाना था जितना छोला कुलचा था सब सेल आउट हो चुका था। तो वो चीज मेरे माइंड में ट्रिगर कर गई, अगर ये कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते, मैं भी तो खाना अच्छा बनाती हूँ। मैंने ये जो मेरे दिल में जो बात आई मैंने घर में किसी को वो शेयर नहीं करा, मैं नेक्स्ट डे अगेन उस बंदे से मिली, उससे बात करी, उससे पूछा कि भैया आपने ये कैसे काम किया, कहाँ से रेडी लाते हो, कहाँ से क्या है, कितना आपकी कॉस्टिंग लगती है, पूरा पूरा XYZ पूरा सब कुछ जब मैंने उससे पूछ लिया एंड में फिर ही वाज लाइक मैम आप क्यों इतना कुछ पूछ रहे हो, मैंने कहा मुझे किसी हेल्पर को हेल्प करना है तो इसलिए मुझे पूछना है। तो फिर उसने उसको लगा कि भाई जब मतलब पहनावा मेरे पहनावे से कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं लोकल इंसान हूँ, तो वो उसको लगा कि अच्छी फैमिली से लड़की है तो ऐसे तो गलत के लिए पूछेगी नहीं। तो उसने मुझे बताया रेडी कहाँ से मिलेगी, ताश कहाँ से परचेज करना है, कुलचे का ऑर्डर कहाँ से मिल सकता है, मटर कैसे होने चाहिए, छोले हैं तो छोले किस तरीके के आएंगे। सो मैंने पूरी डिटेल्स उससे ले ली एंड मुझे 15 डेज लगा बैक ऑफिस वर्क करने के लिए। मैंने अपना स्टॉल का डिजाइन रेडी वाले को दिया, मटर परचेज किए, ताश परचेज करके सब कुछ मैं सामान खरीद खरीद के अलग अपने एक स्टोर रूम में रखती रही। जिस दिन मेरे को लाइव करना था वो काम, मैंने उससे 2 दिन पहले अपने हस्बैंड को बोला, अमित मैंने जॉब क्विट करने का सोचा है एंड आई एम प्लानिंग कि मैं अपना खुद का काम स्टार्ट करूं। तो ही वॉज लाइक हाँ ठीक है कोई बात नहीं खुद का काम कर लो। तो ही वॉज लाइक बट करोगी क्या, तो मैंने बहुत जिसे कहते हैं ना बहुत आराम से बोल दिया छोले कुलचे की रेडी लगाऊंगी। सो ही वॉज शॉक, दिमाग खराब है। उन्होंने तो मजाक समझा होगा। हाँ उनको लगा चोट मेरे पैर में लगी है, इफेक्ट तुम्हारे दिमाग पे हो गया, तो उनका ये डायलॉग था। मैंने कहा हाँ तुम बीवियों को तुम लोग ऐसे ही सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं। राइट राइट तो ऐसे मेरा मैं डिसीजन लिया। तो आपको जैसे आपके फादर इन लॉ भी हैं तो उन्होंने आपको मना किया कि ये कैसे सोच लिया तुमने कि तुम रेडी लेकर के कैसे जाओगे? मतलब ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना। एक तो सेल्फ इमेज की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप बहुत अच्छे घर से, आपके घर के आसपास भी बंगलोज हैं, अगर आप रेडी लेके वहां से निकलोगे तो सबके लिए वो एक बहुत बड़ा शॉकिंग सीन होगा कि अरे इनको देख रहे हैं ऐसा करते हुए। उसे कैसे टैकल किया आपने? ये जिम्मा मैंने अपने हस्बैंड के कंधों पर डाल दिया। मैंने कहा ऐसे मैंने 75% काम कर लिया है, रेड़ी की को परचेज करके आना है, रेड़ी फ्राइडे को हमारे घर में आएगी, अगर तुम घर में नहीं मंगवाओगे तो मैंने कहीं और इंतजाम कर लिया, वहां से निकल के कहीं और स्टेशन होगी, बट आई वॉन्ट कि अगर काम मेरा है तो मेरी चीज मेरे घर में आनी चाहिए।
ही वॉज लाइक कि मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो. फिर मैंने अपने हस्बैंड को एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे मैंने काम किया है, ये मैं कर चुकी हूँ, एंड आई वॉन्ट कि तुम अब आगे जाके पापा और मेरे देवर को जाके बता दो कि उर्वशी ये काम करना चाह रही है. तो ही वॉज लाइक मैं पापा से बात कर सकता हूँ, बाकी मुझे नहीं लगता पापा हाँ करेंगे. बट थैंक्स टू गुरु जी, हस्बैंड ने पापा को जाके इन्फॉर्म किया. पापा वॉज लाइक कि गर्मियों के दिन है, हफ्ता 10 दिन से ज्यादा इसके बस की नहीं, ये तो धूप में 5 मिनट बाहर नहीं खड़ी हो सकती, तो ये झूठ के हाँ रेडी लगाने की बात कर रही है. एंड हाँ एक्चुअली बॉडी इतनी, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है, अगर मैं 15 मिनट भी बाहर धूप में खड़ी हो जाऊं विदाउट एसी विदाउट कार, तो मैं बिल्कुल रेड हो जाती हूँ. तो पापा वॉज लाइक ओ ये बस इसको ना जुनून जुनून चढ़ा, इसका तेरे पैर की चोट इसके सर में लगी, पापा का भी यही डायलॉग था. तो अमित वॉज लाइक कि बट पापा उसने इतना कर लिया है. तो पापा वॉज हाँ ठीक है, मैं इसको हफ्ते का टाइम देता हूँ, अगर ये हफ्ते में स्टेबल हो गई, काम इसका चल गया तो कंटिन्यू कर ले, नहीं होगा तो फिर तो घर बैठ जाएंगे. देन अमित ने बोला पापा वो रेडी खुद चलाएगी, खुद खड़ी होगी. मेरे फादर इन लॉ को शायद ये था कि मैं कोई हेल्पर लेके जा रही हूँ, तो मैंने पापा ने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है अगर चल गया तो फिर काम छोटा या बड़ा नहीं है, नहीं चला तो फिर कंटिन्यू विद हर जॉब. तो ही वॉज लाइक एक एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, कर लेगी तो ठीक है. तो मैंने अपने फादर इन लॉ का वो जो एक हफ्ते वाला जो उन्होंने बोला था कि एक हफ्ते नहीं खड़ा हो पाएगी, वो मेरे दिमाग में जैसे कहते हैं ना एक चैलेंज की तरह, आर्मी के बच्चे हैं तो हमें तो चैलेंज बहुत जल्दी लग जाते, बिल्कुल सीने में लगता. तो मैंने कहा हफ्ता नहीं, सालों साल खड़े होकर दिखा दूंगी. देन वाह हमने हेल्पर हायर किया, एंड उस हेल्पर की हेल्प से हमने, फिर पापा ने बोला क्या डेट सोची है, मैंने तो 7 जून से सोचा था. सो पंडित जी से बात हुई, पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, देन पापा ने एक एग्जैक्ट 16 जून की डेट दी हमें. तो 16 जून 2016 से फिर मैंने अपनी स्टॉल का एज पर मेरे फादर इन लॉ और उनके सो कॉल्ड पंडित की जितने भी क्रियाएं थी वो सब करके फिर हमने स्टॉल स्टार्ट करी. अच्छा एक बात बताइए, आपके घर वालों ने आपको ये भी सजेस्ट किया होगा कि रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेती? मतलब वो तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है और बहुत मतलब वो रिस्पेक्टेबल और रिप्यूटेड भी लगेगा कि रेस्टोरेंट ओनर है। रेड़ी लेकर के, मतलब बिल्कुल अनकन्वेंशनल, मैंने कभी किसी लड़की को नहीं देखा रेड़ी पे खड़े होते हुए। तो आपको भी घर वालों ने सजेस्ट किया होगा ना? हाँ, फादर इन लॉ ने सजेस्ट किया था. मैंने उनको एक ही चीज बोलती है, पापा इसमें जो पैसा लगाया है वो सारा पैसा मेरा खुद का कमाया हुआ है, और इस लाइन में मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है. अगर पैसा डूबता है तो एटलीस्ट एंड ऑफ द डे मेरे पास इतना होगा कि मैंने अपना जो पैसा लगाया था वो मेरा ही पैसा डूबा, और मैं किसी भी तरीके की सैड फीलिंग्स में नहीं होगी कि मेरे को किसी का पैसा देना है, या फिर मुझे कोई ताना मारने वाला नहीं होगा. 100 बात की एक बात थी मेरी. तो फादर इन्होंने बोला कि नहीं तुम्हें मैं कताना नहीं मारूंगा, बट स्टिल रेस्टोरेंट खोलूंगी. मैंने कहा नहीं पापा, रेस्टोरेंट खोलने के लिए मुझे पूरा एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे इक्विपमेंट्स चाहिए, और उसके साथ साथ मुझे बहुत बड़ी टीम चाहिए. अभी मेरे पास जो पैसे हैं वो ऑलमोस्ट 20-25,000 के आसपास थे. मैंने कहा इसमें मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना. और मैंने कहा पापा ने, ये मेरे पापा ने तो पापा यही सिखाया है कि कुछ भी हो जाए, ना मेरे सामने ना अपने इन लॉज के सामने, इतना तुम्हें हमने सक्षम कर दिया है कि तुम अपनी एजुकेशन के बेसिस पे और अपने नॉलेज के बेसिस पे कुछ भी कर सकते हो. अच्छा, फर्स्ट डे का आपका एक्सपीरियंस क्या है? जब पहले दिन आप रेडी को धक्का मार के लेके गई होंगी, तो लोगों ने तो आपको क्या रिएक्शन दिए होंगे? पहला दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसे कि सब लोग जानते हैं मैं बहुत सेंसिटिव हूँ. जून का महीना था और उस दिन पता नहीं जैसे मुझे कहते नेचर भी मेरा टेस्ट ले रही थी. सुबह 8 बजे इतनी तेज धूप थी, एंड हमारा जो मुहूर्त था वो 10:30 बजे का था, कि 10:30 बजे रेडी को घर से बाहर निकालना है. लकली मेरे पास लड़का था, लड़का रेडी निकाल के निकल चुका था. पहले तो मैंने हस्बैंड को, मैं इसके साथ पैदल चली जाऊंगी, वो उसने पैदल तो नहीं भेजूंगा, जहां माने हमने स्टेशन सोचा वहीं पे जाके स्टेशन करते हैं. देन थोड़ा सा आगे रेड लाइट के पास जाके एक लड़का आगे आगे था, मैं पीछे पीछे थी, एंड मेरी हार्ट बीट बिल्कुल धुक धुक थी, क्योंकि वो जो जो रोड हमने सेलेक्ट करी थी वो सेक्टर 14 वो रोड थी जहाँ पे मेरा स्कूल है, जिस स्कूल पे, एंड आई वाज लाइक यहाँ से पेरेंट्स भी निकलेंगे, यहाँ से सारे नॉन्स भी निकलेंगे, यहाँ से सब निकलेगा. देन बस एक ही बार मैंने, साईं बाबा की मर्जी, अच्छा और बुरा काम कर लिया है, अब तो ओखल में सर डाल ली, मूसल पड़ने दो, जो होगा देखा जाएगा. एंड मैंने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया ऐसे वर्ड्स बोल के, एंड मैं चल पड़ी, स्टॉल लगाई, स्टॉल खोली, सेट किया. 12:30 बजे के आसपास एक व्हाइट कुर्ते पजामे में एक अंकल आया, एंड ही वॉज लाइक बेटा क्या बेच रहे हो. मैंने कहा छोले कुलचे बेच रही हूँ. तो
ही वॉज लाइक ठीक है एक पत्ता खिला दो, एंड ही वॉज माई फर्स्ट कस्टमर। एंड मैंने बहुत नॉमिनल प्राइस रखी थी छोले कुलचे की, जो कि नॉर्मल रोड्स पे बिकता है। तो हाँ उन्होंने यही कहा कि तेरे हाथ में जादू है, तेरा जो काम है ना बहुत ऊपर जाएगा, एंड तू इसको वाह इतने में बेच। सो मेरा जो प्राइस का रेट था वो मेरे फर्स्ट कस्टमर ने मुझे सजेस्ट किया था कि इतने में बेच, एंड मैंने उतने रेट्स पे फिर अपना छोले कुलचे बेचना स्टार्ट कर दिया, एंड विद गॉड ग्रेट। अच्छा वाह वाह अच्छा आपको कभी ईव टीजिंग का सामना करना पड़ा? बहुत बहुत लेडी सड़क पे खड़ी है, अच्छी ड्रेस्ड अप है, तमीज से बात कर रही है, और परेशानी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। बहुत तरीके के डायलॉग सुने, बहुत तरीके की बातें सुनी, कस्टमर्स भी बहुत ऐसे आते थे जिनको मतलब मौका चाहिए होता था कुछ भी टीज करने का, तो बहुत बहुत बर्दाश्त किया। मैं जितना शॉर्ट टेम्पर अपने घर पे हूँ उतनी ज्यादा मुझे अपने आप को जैसे कितना खून के घूंट पी के मैंने अपने स्टॉल पे काम किया। आपका कभी मन हुआ कि यार बंद करो, बेमतलब में मैं परेशान होने के लिए खड़ी हो रही हूँ, लोगों की भी इतनी बातें सुननी पड़ रही हैं? नहीं, उस टाइम जब भी कोई मैं फील को मुझे ऐसा फील होता था, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता था मेरे फादर इन लॉ का, हफ्ते 10 दिन से ज्यादा खड़ी नहीं हो पाएगी, तो वो चीज मुझे बड़ा ट्रिगर करती थी। हफ्ते 10 दिन से ज्यादा सब कुछ सह के खड़ा होकर दिखा दूंगी, एंड कुछ बहुत बुरा होता तो हस्बैंड को आके बताती थी आज ये बात हुई आज वो बात हुई, तो ही इज द वन जो मुझे गाइड कर देते थे कैसे करना है कैसे हैंडल करना है। बुरा लगता था लेकिन कोई बात नहीं, मेरी फैमिली और मेरे बच्चे मेरे लिए पहले थे। मायके अच्छा, मायके वालों का क्या रिस्पॉन्स था? ने मुझे बायकॉट कर लिया था, मेरे मायके में मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे कजन्स सिस्टर्स सब ने बायकॉट कर दिया था। उनका रिएक्शन उस दिन सामने आया था जिस दिन न्यूज़पेपर पे छप के आया था मैं छोले कुलचे बेच रही हूँ, एंड माय कजन वाज लाइक इसका दिमाग खराब हो गया, ये घर में इसको बोलो घर बैठे और घर बैठ के कोई काम करे। तो मेरा उनको एक ही जवाब था सबको कि अगर मैं बैठ जाती हूँ और आप जो मुझे कह रहे हो कि हमारे ग्रुप फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स के सर्कल में अपना बिजनेस प्रमोट करूं कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि मुझे ये लगता है अगर मैं ऑनलाइन कुछ कर रही हूँ या फिर अपना बिजनेस अपने इन लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ी कंपनीज तो थी नहीं टाइप के लिए, और हम अगर व्हाट्सएप और इस पे जाते हैं तो मैंने उनको बोला कम से कम सिर्फ 4, 6, 8, 10 दिन या मुश्किल से 2 महीने मेरा बिजनेस चलेगा, खींचतान की 6 महीने। मैंने 6 महीने के बाद क्या मुझे बंद ही तो करना पड़ेगा, और कोई एक बार एक जगह से जब दे देता है या फिर ऑर्डर ले लेता है उसके बाद वो दोबारा रिपीट नहीं करता, बहुत रेयर होता है कि आपके पास रेपुटेशन आती है ऑनलाइन के थ्रू। मैं अगर खराब लगता है तो लगे, क्योंकि अगर मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ हैं तो मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने इन लॉज के साथ रह रही हूँ और मेरे फादर इन लॉ को दिक्कत नहीं है, तो जिसको साथ रहना है साथ रहे, जिसको साथ छोड़ना है साथ छोड़ दे। इट्स बीइंग 4 ईयर्स, आज भी लोग साथ नहीं है, आज भी बहुत कुछ झेला है मैंने इसके बारे इस रेडी को लगाने के बाद, बट ठीक है चलता है। अरे मतलब 4 साल में और आपकी तो रेपुटेशन भी चेंज हो गई। मतलब जब आपने इनिशियली स्ट्रगल किया था तब से लेके अब तक में, मुझे लगता है कि कौन सा अखबार है, ऐसा कौन सा न्यूज चैनल है जिसने आपका इंटरव्यू नहीं किया, बट फिर भी फैमिली है ना, फैमिली को छोटा लगता है जब वो मुझे किसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो दी उर्वशी सोच के नहीं ये वो रेडी चलाती है, उनको छोटा फील होता है ये रेडी चलाती है। आज भी मैं उन लोगों की वो सोच नहीं बदल पाई कि रेडी चलाना इज नॉट कि छोटा काम है, काम काम होता है। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत रेपुटेटेड फैमिलीज में रहते हैं और पिछले 3-3 सालों से खाली बैठे हैं, इससे बेटर तो काम कर लो। उर्वशी जी, बच्चों का क्या रिएक्शन है आपके? जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा बेटा छोटा था, उसको तो समझ ही नहीं आया, उसके लिए तो एक फन था कि मम्मी ऐसा कुछ कर रही है, बिकॉज कभी उसके डर को झूलना कभी कहीं जाना कभी कहीं आना। बेटी मेरी 7th या 8th क्लास में थी उस टाइम, एंड उसका रिएक्शन थोड़ा वियर्ड था क्योंकि जो रोड अगेन मैंने सेलेक्ट करी थी उसी रोड के ऊपर से उसकी बस जाती थी, जून का महीना था तो उसको उस टाइम ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, जुलाई में शुरू हुआ लाइक मम्मी मेरी बस आपकी रेड़ी के सामने से जाएगी तो मैं क्या बोलूंगी, और सब लोग आपको पहचानते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सेक्टर के पिछले साल तक मैं अपनी बेटी को बस से मैं ही पिक करने जाती थी, और अब मैं उसको पिक करने तो जाऊंगी नहीं।
मैंने उसको एक ही चीज बोली थी, मैंने कहा मम्मा टीचर है और बींग अ टीचर हम लोग स्कूल में डेस्क के पीछे खड़े होके सिखाते हैं। मैंने कहा बींग अ टीचर सड़क पे रेडी के पीछे खड़े होके मैं सारी जनरेशन को एक ही चीज सिखाना चाहती हूँ, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, सोच बदलो देश बदलेगा। माय गॉड, मतलब मैं सोच रही हूँ कि हम मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं, आपने उस स्पीच को चरितार्थ किया है, आपने खुद एक एग्जांपल सेटअप किया है। दिस इज अमेजिंग। एक बात बताइए, आपका ये काम चलता रहा है, आपको ये डिस्टरबेंस आ रही है? मुझे भी आ रही है। आपको आ रही है कोई डिस्टरबेंस? नहीं मुझे ना ऑडियो में, मुझे लगा या तो मेरे ऑडियो में प्रॉब्लम है। अब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। यस अब आ रही है? अब क्लियर है। मुझे लग रहा है उस टाइम कुछ डिस्टरबेंस आ रही थी मेरे उसमें हेडफोन में। मैं ये कह रही थी कि आपका जो मुकाम है, अब चलते चलते 4 साल गुजर चुके, 4-5 साल हो गए, अब चूंकि कोरोना का टाइम आया, सबका काम खराब हुआ है, सबका काम बंद हुआ है, आपके ऊपर क्या गुजर होगा? मेरे ऊपर तो बहुत ही बड़ी वाले बादल फटे। करोना तो करोना था, उसके साथ मेरी स्टॉल्स बंद हुई। मेरे पास एक अपनी खुद की स्टॉल है एंड स्टॉल पे मैंने लड़के लगा रखे थे क्योंकि घर पे भी मेरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो मेरा टाइम घर पे भी रहता था। प्लस मेरे पास केटरिंग्स आ गई थी बहुत सारे कॉलेजेस एंड स्कूल से, तो मैं वहाँ पे केटरिंग का काम स्टार्ट कर दिया था। एंड करोना के बाद सबसे पहले मेरी स्टॉल बंद हुई, फिर मेरी धीरे धीरे केटरिंग्स बंद हुई, केटरिंग्स बंद होकर मेरे ऑर्डर बंद हो गए। अच्छा, एंड सेकेंड कोरोना पे जब मेरी स्टॉल खुली तो सेकेंड कोरोना पे जब सब कुछ ओपन हुआ, हमें परमिशन मिली कि हम स्टॉल्स भी लगा सकते हैं, तो मुझे कि अब कहीं घर से तो कुछ काम हो नहीं रहा, तो उस टाइम स्टॉल पे गई थी और जहाँ हमारी स्टॉल स्टेशन थी वहाँ पे मेरी स्टॉल मुझे मिली नहीं। एंड ये शॉकिंग था क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की दी हुई स्टॉल है, उसका मैं मंथली रेंट पे कर रही हूँ और उसके बाद भी मुझे मेरी स्टॉल वहां नहीं मिली तो मेरे को बहुत परेशानी हुई थी। स्टॉल ढूंढ रहे हैं, स्टॉल ढूंढ गई है, सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं रहा। देन आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल, 6-7 महीने की मेहनत करी मैंने यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कर एंड अपने चैनल के थ्रू काम कर रही हूँ। एंड अभी स्टॉल नहीं मिली है तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था कि स्टॉल इस तरीके से गायब भी हो सकते हैं या हट सकते, क्योंकि जिस रोड पे मेरी स्टॉल खड़ी है उस रोड पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है एंड इट्स बीइंग 2 इयर्स कोरोना और लॉकडाउन की वजह से वो वहाँ का भी काम चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, रुक रहा है, इस पोजिशन पे है। तो अब ये नहीं पता कि वो किसी ने उठा ली है, किसी ने चोरी करी है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने चेंज इधर उधर करी है, मेरे को नहीं पता क्योंकि मुझे भी कोरोना हुआ था और उसके बाद मैं रिकवरी पे हूँ अभी। एंड घर में सभी लोगों को कोरोना हुआ है तो सबको अब मेरे लिए पहली प्रेफरेंस मेरी घर की लोगों की हेल्थ और मेरी हेल्थ है। तो अभी मैंने अपनी तो रखा हुआ है साइट पे, ढूंढेंगे, ढूंढ रहे हैं क्योंकि जहां जहां जब भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि स्टॉल यहाँ खड़ी है वहां खड़ी है तो मैं वहां जाके ढूंढती हूँ एंड एक निराशा के साथ वापिस आती हूँ क्योंकि स्टॉल वहां नहीं होती, मेरी तो नहीं होती, बाकियों की तो होगी। उसका मतलब वहां से सबको डिस्प्लेस किया गया होगा और आपका गायब ही कर दिया गया, आपका स्टॉल बिल्कुल देखो गायब ही हो गया। अभी तक पिछले 2 महीने में 3-4 न्यू लोकेशंस बताई गई है म्युनिसिपल के ऑफिसर्स के कि यहाँ खड़ी है, वहां खड़ी है, वहां हमने रिलोकेट करी है। तो उन्होंने उस 14 सेक्टर के रोड की जितनी भी रेड़ियों को जहां जहां रिलोकेट किया है मैं वहां जाके देख रही हूँ, सबकी रेड़ी तो है बट मेरी वाली नहीं है क्योंकि मेरी वाली जो रेड़ी थी वो फर्स्ट लॉट का सेकेंड या थर्ड नंबर की रेड़ी थी मेरी। एंड मेरी रेड़ी के ऊपर मेरी रेड़ी का नंबर लिखा हुआ था 50 एंड उस पे पूरी बिल्डिंग थी उर्वशीज मटर कुलचा की। सो ना उस ना मेरी वो स्टॉल मिली, ना ब्रांडिंग मिली, ना मतलब कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला कि वहां पे खड़ी हुई स्टॉल मेरी है क्योंकि वहां है ही नहीं। दिस इज सो सैड। तो अभी आपका कोई ऐसा प्लानिंग है अब, क्योंकि देखिए अब जो सिचुएशन ऐसी है, अभी आप ढूंढ भी रही हैं, अभी आप रिकवरी मोड में भी हैं, तो ऐसा आपकी कोई प्लानिंग है कि आप रेस्टोरेंट खोलें फिर से? फिलहाल रेस्टोरेंट अगेन इज इन अ पाइपलाइन। मेरा अभी का जो मेन है वो है कि मैं उर्वशीज मटर कुलचा को दोबारा मार्केट में लेके आ रही हूँ ऑनलाइन। एंड जितनी मेरी किचन जो है मैंने घर से स्टार्ट करी है, मटर कुलचा के अलावा मैं 3-4 और आइटम्स लेके आ रही हूँ जो कि मैं घर से ही सेल करूंगी। एंड मैंने 2-3
कंपनीज के साथ टाई अप किया, लाइक जोमेटो एंड स्विगी के साथ मेरे पेपर वर्क की वजह से डिले है, एंड मोस्ट प्रोबली अगस्त की मैं डेट नहीं बता सकती कौन सी डेट, बट अगस्त में मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा एंड फिर सबको घर से मिलेगा, पैकिंग, डिलीवरी और टेक अवे। लवली, मैं आपकी जैसे आपका हो जाए मुझे बताइएगा, फिर सबसे पहले कस्टमर मैं, मुझे बहुत पसंद है मटर कुलचा मैं पक्का लेने आऊंगी। अच्छा उर्वशी जी, आपने अभी तक प्रोग्राम के दौरान जो हमारी बातचीत हुई है, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो उभर कर सामने आई है। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो कि अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहती हैं, जो अपने काम में बहुत अच्छी हैं, पर किसी झिझक की वजह से, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, सबसे पहले तो मेरा नंबर गूगल पे है, किसी को अगर कभी भी ऐसा फील हो कि उनको कोई झिझक है, कोई परेशानी है, या फैमिली के किसी भी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनकी फैमिली से बात करने के लिए मैं रेडी हूँ। एंड एक चीज और बोलूंगी, आप कि आज की औरत कहीं ना कहीं ये सोच के रह जाती है, अगर मैं काम करूंगी तो समाज क्या बोलेगा। मैंने जब काम स्टार्ट किया था, मेरा एक ही मोटो था, समाज कुछ नहीं कहता, समाज का काम है बातें बनाना, वो बातें बनाएगा। मेरे टाइम पे मुझे इतना याद है कि मुझे ये पता था आज फादर इन लॉ है, कल फादर इन लॉ नहीं होंगे। हर महीने की 10 तारीख तक मेरे कुछ ड्यूज हैं जो मुझे बैंक्स में पेमेंट्स करनी होती है। अगर 10 तारीख तक मेरे अकाउंट में उतना पैसा नहीं हुआ तो मेरे बच्चों की फीसें नहीं जाएंगी, मेरे घर के खर्चे नहीं चलेंगे। मैं हर उस औरत को बोलना चाहती हूँ जो ये सोचती है कि मतलब जो भी उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनसे उससे पहले एक बार सोच के देखो, आज आपके घर में आपको पैसा कौन दे रहा है, घर कैसे चल रहा है। बाहर के लोगों का तो काम है, वो बोलेंगे लेकिन वो कभी पैसे नहीं देंगे, और अगर कोई देगा भी ना तो 1 महीना, 2 महीना देगा, तीसरा महीना जतला देंगे। कोई जतलाए इससे ज्यादा बेटर है कि खुद ही कर लो यार। 4 दिन सुनेंगे, 5 दिन सुनाएंगे, 6वें दिन जिस दिन तुम सक्सेसफुल हो जाओगे वही तुम्हारे लिए तालियां भी बजाएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही आपने कहा। और विजय जी, आपसे बात करके ना मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और बहुत मोटिवेशन मिला मुझे। एक्चुअली हम सब किसी न किसी झिझक में अटके रहते हैं, पर आपने इतना बड़ा काम किया है कि उस काम के आगे हमारी जो झिझक है वो पीछे रह जाएगी। थैंक यू सो मच उर्वशी जी, थैंक्स फॉर द मोटिवेशन। थैंक थैंक यू, यू। आपसे फिर मुलाकात करेंगे और भगवान करे आपकी वो जो कार्ड नहीं मिल रहा है वो जल्दी से मिल जाए। मैं अपील करूंगी जो गुड़गांव के लोग हैं जिन्हें जरा भी हिंट भी मिले तो प्लीज आप उर्वशी जी को इन्फॉर्म कीजिएगा। उर्वशी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू डियर, बाय। थैंक यू, बाय बाय बाय। तो दोस्तों, आज हमारे साथ उर्वशी जी थी जिन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की है। आप भी अगर कुछ जानना चाहते हैं, अगर आप भी अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको सही गाइडेंस मिले, तो आप एक बार उर्वशी से जरूर बात कीजिएगा। क्योंकि देखिए, आप क्या करना चाहते हैं, आपका शौक क्या है, आपकी हॉबी क्या है, किस चीज में आप बहुत अच्छी हैं, आप उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे ना, झिझकने की जरूरत नहीं। उर्वशी जी ने बहुत अच्छी बात की कि लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए लोगों को। आज उनकी अपनी फैमिली, उनके मायके वाले उनके साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रही हैं और अपने परिवार का वहन, जो उनके खर्चे हैं उनको आज वो ही उठा रही हैं। आप और हम उनके घर नहीं जा रहे हैं उनका खर्चा उठाने के लिए। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि अपनी लड़ाई हर किसी की खुद की होती है, उसे जीतना भी हमें है तो लड़ना भी हमें ही पड़ेगा। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। थैंक यू सो मच।